नमस्कार, मैं हूँ स्वाति रायना और मनी गुरु निवेश 2021 हमारी इस न्यू ईयर सीरीज एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं कि बाजार की इस तेजी में आपको क्या करना चाहिए साल के एंड में, क्योंकि ये तेजी आई है जो कि साल की शुरुआत यहाँ कहकर मार्च से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो नए साल में स्ट्रैटेजी क्या रखे, इसी से सीख लेकर या इसी को पैमाना रखकर हमारे साथ जो खास मेहमान है, सबसे पहले परिचय करा दे जिससे हम बातचीत करेंगे अपने शो में। हर्षवर्धन रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, रूंगटा सिक्योरिटीज। हर्षवर्धन, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू स्वाति। तो आज हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं शो में, सबसे पहले उस पर एक नजर डाले थे। आज हम शो में जानेंगे बाजार की तेजी में फंड रिडीम करें, अनिश्चित बाजार में SIP करने का क्या है फायदा, फंड से निकलने का क्या सही समय है ये, साथ ही सेक्टोरल फंड की आज चर्चा करेंगे कैसे करें इसमें निवेश। हर्षवर्धन, कई सवाल बाजार की स्पेशली अभी आजकल की चाल को लेकर हमारे पास आते हैं, जिसमें से कुछ सवाल आज हमने छांट कर लाए हैं और हम चाहते हैं कि उसको आज हम पूरे आधे घंटे डिस्कस करें कि आखिरकार जो दर्शकों के मन में, निवेशकों के मन में सवाल हैं, उनका जवाब काफी हद तक क्या हो सकता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि बाजार में काफी अच्छी तेजी है, बाजार का जो मूड और माहौल है वो इस साल की शुरुआत से काफी ज्यादा डिफरेंट है, साल के बिल्कुल अंत तक हम पहुंच चुके हैं। तो लोगों का ये सवाल है हर्षवर्धन कि बाजार की तेजी है जब, तो उसमें क्या सही तरीका रह सकता है, रिडीम करके फिर कंसोलिडेशन के समय फिर निवेश करना क्या सही स्ट्रैटेजी रहेगी किसी के लिए? देखिए स्वाति, पॉइंट एकदम सिंपल है। ये सही कब हो सकता है? जब आप मार्केट को टाइम कर सकें। आज की तारीख में हम बात करें कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे है, तो ये बात ठीक है, लेकिन दोनों व्यू बन के आता है। कई कहते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, दूसरे कहते हैं कि ये नया बॉटम है मार्केट का। तो पॉइंट ये कि आप क्या हम मार्केट को टाइमिंग कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि मैं टाइमिंग कर सकता हूं, मुझे मालूम है मार्केट का आज सबसे टॉप है और कल जाके नीचे आने वाला है, तो वो और किसी को नहीं, अपने आप को मिसगाइड कर रहे हैं। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है कोई भी इंडिविजुअल के लिए। तो एक लेमैन इन्वेस्टर क्या करे? तो लेमैन इन्वेस्टर अगर जो बेसिक रूल्स हैं इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए अगर वो फॉलो करते हैं, तो उनके लिए हमेशा से ये एक एवरग्रीन रूल रहेगा। तो वो रूल्स क्या है? बेसिक रूल्स ये है कि पहली बात, अगर आपको 5 to 7 years, 5 से 7 साल तक पैसों की जरूरत नहीं है, तो आप इन्वेस्ट करके अपना बने रहें। इन्वेस्ट जब आप करें तो SIP के जरिए करें। SIP इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं होता मार्केट किस तरफ जाने वाला है। तो हर लेवल पे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम हर लेवल पे धीरे धीरे खरीदते जा रहे हैं, तो हमारा एवरेज हो रहा है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो भी हम हर लेवल पे खरीद रहे हैं। तो हमें जो मार्केट की टाइमिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये रहता है कि अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत हाई है, हो सकता है कि हमें कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट की वैल्यूएशन जो इतनी तेजी से बढ़ा है, मार्केट की लेवल को देख ले तो ऑल टाइम मल्टीपल हाई पे है, तो अगर वैसा अगर आपको लगता है तो जाहिर बात है कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसमें क्या करना चाहिए फिर आपको, अगर टाइम होराइजन फिर भी 5-7 या 5-6-7 साल आगे है कम से कम, तो आप उसे एक अपने इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट करके एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जो बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप की स्कीम्स होती है, उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि आप जब उसमें ट्रांसफर करते हैं उसमें जो एलोकेशन होता है मार्केट लेवल्स को देखते हुए ट्वीक किया जाता है। अगर मार्केट हाई है तो इक्विटी कम होगा, इक्विटी एलोकेशन कम होगा, और मार्केट अगर नीचे होता है लोअर पी मल्टीपल पे होता है तो इक्विटी एलोकेशन ज्यादा होता है। तो ये वो कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है, जो बाय लो सेल हाई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस चीज को फुलफिल करता है। तो सिंपल सी बात है, टाइमिंग के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। रूल्स फॉलो करें तो हमारा इक्विटी पोर्टफोलियो अच्छा बन सकता है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड का आपने जिक्र किया कि बाजार के उतार चढ़ाव में काफी ज्यादा कारगर है, जो कि डेफिनेटली जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बैलेंस एडवांटेज फंड में जो निवेश करने का, हर्षवर्धन, सही समय क्या हो सकता है? जैसे किसी ने देख लिया कि हाँ नुकसान हो गया है अपने निवेश में, उसके बाद निवेश किया जाए, या टाइमिंग क्या हो बेसिकली? क्योंकि अगर माने किसी के पोर्टफोलियो में है ही नहीं, वो ये समझकर अब निवेश करे कि हाँ चलिए मार्केट में काफी ज्यादा उथल पुथल है, कम से कम एक फंड तो बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड होना ही चाहिए,
क्या ये स्ट्रैटेजी के तहत किया जाना चाहिए, या एक नया निवेशक है वो पहले से ही अपने पोर्टफोलियो में आजकल के बाजार के सिनेरियो को समझते हुए एक बैलेंस एडवांटेज फंड तो शामिल रखे ही रखे? स्वाति, इनफैक्ट ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल को उठाया, क्योंकि आज की तारीख में ये एक ऐसा एसेट हो, एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो हर एक निवेशक की फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। हम इसे दो तीन पहलुओं में समझते हैं कि एक नया निवेशक है जो मार्केट में आना चाह रहा है और उनके पास लमसम है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें एक साथ कर सकते हैं। नॉर्मली हम इक्विटी स्कीम्स में ये बोलते हैं कि आप SIP के जरिए ही आए, अगर आपके पास लमसम पैसे हैं तो भी आप STP के जरिए करें, लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख जो लमसम है और आपको ये नहीं पता कि मुझे कितना मार्केट की वैल्यूएशन को देखते हुए इक्विटी और डेट में एलोकेट करना चाहिए, तो आप पूरे का पूरा पैसा इसमें एक साथ लगा सकते हैं। अगर कोई नया निवेशक है, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी अमाउंट उनके पास है, वो आज अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आज की मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पे उनका जो इक्विटी एलोकेशन होगा वो करीबन 40% आसपास होगा, क्योंकि जो पी मल्टीपल की टेबल्स फॉलो करते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो फंड अपने आप ही इक्विटी एलोकेशन बढ़ा देता है, और अगर उसके और ऊपर जाएगा तो इक्विटी एलोकेशन और थोड़ा धीरे नीचे कर लेगा। तो पॉइंट एकदम सिंपल है कि एक नए निवेशक को मार्केट टाइमिंग और वैल्यूएशन का जो कंसर्न होता है वो इस फंड में नहीं आता है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, मान लीजिए कि किसी के SIP के जरिए एक बहुत बड़ा लमसम क्रिएट हो चुका है, 5-10 साल से SIP करते आ रहे हैं, तो पहला सजेशन तो ये होता है कि आप ऑब्वियसली कंटिन्यू करें, SIP के जरिए ही करें। ठीक है, मार्केट वैल्यूएशन की बात, हम एक्सपेंसिव हो सकता है लेकिन आपको फ्यूचर नहीं मालूम है, लेकिन अगर इस लेवल पे आने के बाद अगर एक SIP इन्वेस्टर अगर एक कंसर्न हो जाता है कि भाई अब मेरा लमसम बन गया है, अब मेरा जो कॉर्पस है 15-20 लाख का बन चुका है, अब मैं इक्विटी में रहूं कि नहीं रहूं, और आपके 5-7 साल मिनिमम ऑलरेडी है आपके हाथ में, फिर भी वैल्यूएशन आपको कंसर्न आता है, तो ये पैसे भी आप बैलेंस एडवांटेज में शिफ्ट कर सकते हैं। इससे खाली सिर्फ इतना होगा कि इक्विटी एलोकेशन 100% जो आपका SIP पोर्टफोलियो से बना था वो घटकर 40% पे आ जाएगा। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जो वैल्यूएशन के कंसर्न की एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो या कोई नया इन्वेस्टर हो, दोनों को ये फुलफिल करता है। तो ये आज की तारीख में वैल्यूएशन कंसर्न जैसे ही आ जाते हैं तब डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड वो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो अनिश्चित बाजार बैलेंस एडवांटेज फंड उसमें कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है, हर्षवर्धन ने बताया। अब जब बाजार काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव है, और निवेशक को पता नहीं कि बाजार किस करवट जाएगा, तो ऐसे में इस अनिश्चित बाजार में SIP का क्या करना चाहिए? ये एक और ऐसा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो हमारे पास है दर्शकों की तरफ से। इनफैक्ट स्वाति, काफी इन्वेस्टर्स हमसे पूछते हैं कि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, क्या हम SIP अभी शुरू करें? तो इनफैक्ट SIP शुरू करने के लिए सवाल करना ही नहीं चाहिए। SIP हम क्यों करते हैं? दो कारणों से करते हैं। फर्स्ट कारण ये है कि हम मार्केट की चाल को नहीं जानते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जैसे मैंने कहा कि SIP इन्वेस्टर क्या करता है, हर महीने का एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करता है, मार्केट ऊपर गया तो भी वो हर महीने खरीद रहा है तो एवरेज हो रहा है, मार्केट नीचे गया तो भी हर लेवल पे आप खरीद रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज होते जा रहा है। तो पहला कारण तो ये है कि हम मार्केट की चाल को नहीं जानते हैं, इसके लिए SIP कर रहे हैं। दूसरा कारण ये होता है कि कई जो सैलरीड होते हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल्स बिजनेसमैन जो भी होते हैं, इनकम आपको हर महीने आती है, तो हम कहते हैं कि हम हमारा कमिटमेंट भी हर महीने का ले लें, तो ये कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इन दो कारणों से हम SIP करते हैं। अब मार्केट की जो लेवल्स है इसमें अगर फिट करके देखना चाहते हैं कि बुल रन है तो क्या मैं वेट करूं? लेकिन आप अगर SIP कर रहे हैं तो वेट करने की आपको जरूरत ही नहीं है, और मान लीजिए यहां से अगर मार्केट ऊपर ही चलते रहा तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी हमेशा से मिस आउट हो जाएगी। तो SIP करने का कोई टाइम नहीं होता, जब आपके पास पैसे आ जाए, आपका मन बन जाए, आपके गोल्स और सब जो टारगेट टाइमलाइंस है वो फिक्स हो जाए, SIP तुरंत शुरू कर लीजिए। यही एक मंत्र है जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना सक्सेसफुल प्रूव होता है कि आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल SIP पकड़े, प्रोडक्ट पकड़े अपनी जरूरतों के हिसाब से और इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। बिल्कुल। इनफैक्ट इसी से जुड़ा हुआ एक और जो काफी ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल हमारे पास हर्षवर्धन होता है, वो ये है कि क्या म्यूचुअल फंड से एग्जिट का ये उचित समय है? ऐसा सवाल किसी निवेशक के मन में क्यों आ सकता है?
देखिए अगेन अपना जो आज का टॉपिक है वो यही है कि मार्केट की जो लेवल्स हैं वो कई लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही है. सो एग्जिट की अगर स्ट्रैटेजी बात करते हैं तो एग्जिट में सिंपल है कि आप आज पैसे इन्वेस्ट करके होगा डेट स्कीम है, इक्विटी स्कीम है, यू नो अलग अलग टाइप की स्कीम्स में है. अगर डेट में है तब आपको कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि इक्विटी की वॉलेटिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, उसका इंटरेस्ट रेट मूवमेंट वो एक अलग ही टॉपिक ऑल टुगेदर होता है. अगर हम इक्विटी इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए आपके पास अक्यूमुलेटेड पैसा है, आपने पूरा पहले जमा किया था जो आज आप एक अच्छी खासी प्रॉफिट में आज आपके अच्छी खासी प्रॉफिट में उसका वैल्यूएशन है. दूसरा आप एसआईपी के जरिए अगर आपने एवरेज करते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं. दोनों सिचुएशंस में आपको यह सोचना है कि अगर आपको पैसे 5 या 7 साल के आगे के लिए और मिनिमम नहीं चाहिए, ऐसे आपको मालूम है कि अभी मुझे तुरंत जरूरत नहीं है, तो आप अभी निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है. अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे 2 या 3 साल में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, मेरे गोल्स जो है वो 2 साल या 3 साल में पूरे हो जाएंगे और मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तब आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पैसे इक्विटी में से निकाल के डेट में धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हैं. तो आपने अपनी प्रॉफिट बुक कर ली और अभी आप ना लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पैसे रख सकते हैं कि जब भी चाहिए वो डेट फंड में से आप निकाल लेंगे उसे. अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है निकालने की. आपने मार्केट में जब इन्वेस्ट किया था क्या आपने 45 या 46,000 इंडेक्स का लेवल देखते हुए इन्वेस्ट किया था? जी नहीं, हम वो देख के नहीं किए थे. आपने ये देखा था कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेगा, तो किसने कहा कि यहां से मार्केट ऊपर जा नहीं सकता? हो सकता है री रेटिंग हो, यू नो वैल्यूएशन बढ़े, इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, तो ये वापस की लेवल री रेट हो जाएंगे. तो आई डोंट थिंक वैल्यूएशन को देखते हुए आपको एग्जिट प्लान करना चाहिए. लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी निवेशक थोड़ा अनकंफर्टेबल है, अगर वो मानता है कि नहीं अब मुझे बहुत महंगा लग रहा है मार्केट और मुझे प्रॉफिट बुक करनी है, तो आप प्रॉफिट पूरी बुक करके मार्केट से निकलिए मत. आप जैसे मैंने कहा बैलेंस एडवांटेज फंड, जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड होते हैं, उसमें कन्वर्ट कर लीजिए. तो उसमें आपका इक्विटी एलोकेशन 100% से कम होकर ऑब्वियसली करंट लेवल्स पे आएगा, लेकिन आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे और जितना इक्विटी में एलोकेट करना है वो मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पे फंड मैनेजर आपके लिए कर लेंगे. तो ये एक आई थिंक विल बी अ बेटर अप्रोच देन पूरा एक करके आप वेट कर ले. तो हो सकता है कि मार्केट अगर बढ़ जाए तो आप मार्केट से कंप्लीटली एग्जिट होकर बैठ गए, सो दैट इज नॉट अ डिजायरेबल सिचुएशन. ओके. इस बीच एक सवाल हमारे पास आया है मेजर जनरल राकेश जी का, उनका भी कुछ हमारे आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ ही सवाल है. ये कह रहे हैं कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में इन्होंने निवेश किया, अब 2 साल पहले निवेश किया था तो रिटायरमेंट राशि से 5 लाख रुपए उन्होंने निकाले और निवेश कर दिया निपॉन इंडिया में, लेकिन फंड से जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे रिटर्न मिले उतना रिटर्न उन्हें नहीं मिल रहा है, तो क्या ये सही पैमाना होना चाहिए उनका इस फंड से निकलने का, या आप कुछ और सजेस्ट करेंगे? देखिए एक्चुअली जो मेजर जनरल साहब ने इन्वेस्टमेंट किया है वो एक लार्ज कैप स्कीम में किया है, निपॉन की स्कीम जो है वो काफी हद तक अंडर परफॉर्म की है, सो उसमें कोई डाउट नहीं है. और अगर आपने इक्विटी फंड में निवेश किया है तो ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे इंडेक्स या बेंचमार्क से बेटर रिटर्न मिले. अगर आपने एक एक्टिव फंड में मैनेज इन्वेस्टमेंट किया है और आप ये भी चाहते हैं कि मेरे पैसे जो है वो इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा कमा के दे, तब वो रिस्क वर्थ है. अगर आपको नहीं मिल रहा तो कोई पॉइंट नहीं है. मैं राकेश जी के लिए ये सजेस्ट करूंगा कि वो एक लार्ज कैप में बने रहे, लेकिन एक फंड मैनेजर बायस हटा दें और एक इंडेक्स फंड में निवेश कर दें, तो उनको कभी भी आगे जाते हुए भी ये नहीं होगा कि कोई भी स्कीम को ट्रैक करना है. अब जैसे निपॉन इंडिया की लार्ज कैप स्कीम को ट्रैक कर रहे हैं, अगर हम उन्हें शिफ्ट करवा दें कोई दूसरी एक्टिव फंड में, तो उन्हें उस फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहना होगा. आई थिंक इनके लिए सबसे बेस्ट होगा कि एक इंडेक्स फंड में निवेश करें, तो लार्ज कैप में इन्वेस्टेड होंगे, फंड मैनेजर का कोई बायस नहीं होगा, तो इन्हें कुछ भी ट्रैक इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस कैटेगरी में अगर वो निवेश करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूफ की सेंसेक्स इंडेक्स फंड है जो एक अच्छा है, तो वो निपॉन इंडिया लार्ज कैप से इंडेक्स फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं. ओके. यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला हर्षवर्धन से जारी रहेगा और साथ ही इंडेक्स फंड की कुछ बात करेंगे और सेक्टोरल फंड का भी हम थोड़ा जिक्र करेंगे अपने शो में. बने रहिए हमारे साथ. मनी गुरु निवेश 2021 में आज हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन रूंगटा से. हर्षवर्धन, अभी करंट मार्केट कॉन्टेक्स्ट में अगर समझे, उतार चढ़ाव डेफिनेटली देखने को जरूर मिल रहा है बाजार में. ऐसे में एक और सवाल जो निवेशकों की तरफ से हमारे पास आता है वो ये है कि क्या इंडेक्स फंड में लंबे समय और मीडियम रिस्क कैपेसिटी के लिए निवेश करना सही कदम है?
यस, तो अगर स्वाति हम देखें इन्वेस्टर प्रोफाइल को, तो जैसे आपने कहा कि मीडियम टू हाई रिस्क प्रोफाइल है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर इन दोनों क्राइटेरिया को हम अगर मद्देनजर रखें, तो इसमें सिंपल सी पॉइंट है कि आपको लॉन्ग टर्म में इक्विटी ही वेल्थ क्रिएट करके देता है, और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये ना एक इक्विटी फंड में ही इन्वेस्ट करना होगा। विद इन द इक्विटी फंड आपके पास एक्टिवली मैनेज फंड है और पैसिवली मैनेज है। एक्टिवली मैनेज क्या होता है कि जो फंड मैनेजर अपने बेसिस पे, अपनी रिसर्च के बेसिस पे आपको एक पोर्टफोलियो बना के देते हैं, जिसमें वो कोई भी कंपनी में निवेश कर सकते हैं और कितना भी एलोकेशन हो सकता है। तो इसमें क्योंकि एक ह्यूमन बायस होता है, तो हम ये मानते हैं कि हो सकते हैं गलतियां हो, परफॉर्मेंस में यू नो वेरिएंस हो, कभी बहुत अच्छा हो कभी खराब हो। अगर आप एक इंडेक्स फंड लेते हैं तो आपको ये मालूम है कि जो भी इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर 30 कंपनी सेंसेक्स की है या 50 कंपनी निफ्टी की है, उन्हीं 50 कंपनियों में या 30 कंपनी में निवेश होगा और उतना ही होगा जितना वो इंडेक्स में दिख रहा है। तो कोई भी आपको फंड मैनेजर बायस नहीं होगा, फंड हाउस क्या कर रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस, लॉन्ग टर्म के लिए ये बेटर है कि अगर आप एक इंडेक्स फंड में निवेश करें तो आपको कुछ भी ट्रैक करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। एक कई बार ये सवाल और आता है कि क्या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से क्या वॉलिटिलिटी कम हो जाती है, तो इनफैक्ट वो चीज को एकदम क्लियरली बता दूं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से वॉलिटिलिटी कम नहीं होती। मार्केट की जो वॉलिटिलिटी है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट आपको इंडेक्स फंड में करता है, सिर्फ परफॉर्मेंस बायसेस हट जाते हैं कि फंड मैनेजर क्या कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है गलत कर रहा है, वो चीज का बायस हट जाता है, लेकिन मार्केट की वॉलिटिलिटी इनफैक्ट फुल्ली इंटैक्ट रहती है। अगर मैं एक स्टेप आगे जाए तो इनफैक्ट अगर इंडेक्स फंड में मैं कहूंगा कि हो सकता है मार्केट वॉलिटिलिटी का इफेक्ट एक एक्टिवली मैनेज फंड से शायद ज्यादा हो। कारण यह है कि इंडेक्स फंड का जो मैंडेट है उसमें क्योंकि कुछ भी डिसीजन फंड मैनेजर को नहीं लेना है, बहुत छोटा सा कंपोनेंट कैश में रहता है, बाकी पूरा इन्वेस्टेड होता है। तो हो सकता है 98% आपका जो पोर्टफोलियो का AUM है उतना पूरा इन्वेस्ट होता है। एक्टिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर एक कॉल ले सकते हैं कि मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है या अभी टाइम नहीं है अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो जो AUM है, जो पोर्टफोलियो का पूरा कॉर्पस है, उसका 10-20% भी वो कैश में रह सकते हैं, ये देखते हुए कि वॉलिटिलिटी ज्यादा है। तो फ्रॉम अ वॉलिटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एक्टिवली मैनेज फंड वॉलिटिलिटी को शायद थोड़ा बेटर मैनेज करें एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड। तो वॉलिटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मानना गलत है कि इंडेक्स फंड में वॉलिटिलिटी कम है, कम नहीं है, सिर्फ फंड मैनेजर बायस निकल जाता है, बस दैट्स इट। तो ये एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह अगर कोई भी निवेशक समझे तो अप्रोच बेटर हो सकती है। ओके, एक और सवाल लेते हैं। विशाल जी का सवाल है हमारे पास, विशाल अग्रवाल, ये कह रहे हैं कि मिराय एसेट मिड कैप और मिराय एसेट फोकस्ड फंड में इन्हें निवेश करना है। 5 साल के लिए जो निवेश है तो दो से तीन लाख दोनों में ही इक्वली वो दोनों फंड में निवेश करना चाहते हैं, क्या ये सही रहेगा? इसके अलावा ये टाटा डिजिटल इंडिया फंड के बारे में आपसे समझना चाहते हैं। तो देखिए स्वाति, अगर टाइम होराइजन 5 साल का है, जैसे विशाल जी ने कहा कि 5 साल तक वो निवेश कर सकते हैं और 2-3 लाख एक पर्टिकुलर फंड में करना चाहते हैं, आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से एक मल्टी कैप और एक मिड कैप है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ऑफकोर्स फोकस्ड फंड है और मिड कैप है तो ऑब्वियसली जो वॉलिटिलिटी रहेगी या जो रिस्क है वो थोड़ा हायर रहेगा एज कंपेयर टू लार्ज कैप। तो अगर वो क्लियर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इशू नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने दोनों स्कीम्स जो चूज किए हैं वो मिराय के चूज किए हैं। तो मिराय अनडाउटेडली एक बहुत अच्छा फंड हाउस है, उनकी जो स्कीम्स इन्होंने सिलेक्ट किए मिड कैप और फोकस्ड फंड दोनों अच्छे हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना मानना होता है जब आपके पास 40 फंड हाउसेज हैं, इतने सारे फंड हाउसेज हैं और दूसरे फंड्स के पास भी बहुत अच्छे अच्छे मैनेजर्स हैं, तो क्यों ना एज एन इन्वेस्टर मैं उसका फायदा उठाऊं, क्यों ना मैं ये देखूं कि एक स्कीम मैं मिराय की ले लूं और दूसरी स्कीम मैं एक दूसरे फंड मैनेजर को दूं तो मुझे एक फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन में मिलता है, क्योंकि हर एक फंड मैनेजर का खुद का एक स्टाइल होता है, तो बायसेस भी होते हैं। तो मैं अगर दो फंड हाउस लेता हूं, दो डिफरेंट फंड मैनेजर्स लेता हूं, तो मेरे एक परफॉर्मेंस में भी डाइवर्सिटी आती है। तो आई वुड सजेस्ट कि मिराय फोकस्ड की जगह वो एक एक्सेस फोकस्ड 25 फंड ले लें और मिराय का मिड कैप फंड ले लें। और अगर ये फिर भी चाहते हैं कि मिराय में ही करना है तो जैसे मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों मिराय का फोकस भी अच्छा फंड है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए मैं उन्हें एक दूसरा फंड हाउस रेकमेंड कर रहा था। तो ये अगर फिर भी चाहते हैं कि मिराय में ही करना, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड, लेकिन अगर डाइवर्सिफाई करें तो मिराय का फोकस की जगह एक्सिस का फोकस 25 फंड ले लें। फिर का दूसरा सवाल था टाटा डिजिटल इंडिया फंड, तो ये एक आईटी सेक्टर फंड है, टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड है,
कोई भी सेक्टर फंड में जब आप निवेश करते हैं आपको समझना है कि वो सेक्टर को आपको ट्रैक करना होगा कि उसका बेस्ट टाइम कब आने वाला है, कोई अच्छे कानून या रेगुलेशन चेंज होने वाले हैं या जो कोई ऐसा डेवलपमेंट होने वाला है कि इस सेक्टर को फायदा होगा। तो विद इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड्स, ये टाटा डिजिटल टेक्नोलॉजी फंड अच्छा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे थोड़ा और एक्टिवली ट्रैक करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आप सिर्फ इसमें निवेश कब कर रहे हैं क्योंकि पास्ट का रिटर्न अच्छा रहा है, तो वो नजरिए से मत करिएगा। अगर आप ट्रैक कर सकते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर पे, आप अपने पैसे दाव पे लगाना चाहते हैं और समझते हैं कि इसमें आगे जाके ग्रोथ होगा, तो डेफिनेटली यू कैन गो हेड विद इन द सेक्टर। आई सेड टाटा इज अ गुड फंड, लेकिन अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो डाइवर्सिफाइड फंड में जाना ज्यादा बेटर होगा। इसमें इनके सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल हर्षवर्धन ये भी है कि इस टाइम पर बाजार के इस मोड़ पर या फिर ये जो एक पूरा जो हम एक एटमॉस्फेयर देख रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी फंड क्यों किसी को अपने सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, और स्पेशली सेक्टोरल फंड्स की अगर चर्चा करें तो सेक्टोरल फंड को किसी के पोर्टफोलियो में शामिल करने का क्या कोई एक सही वक्त होना चाहिए? इनफैक्ट अगर आप सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं एग्जिट कब करूंगा। यूजुअली जो डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं, हमने पहले भी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की कि एग्जिट कब करें अपने म्यूचुअल फंड में से, हमारा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन इसी पे था कि आपको पैसे की जरूरत कब है। तो आपने पूछा कि मुझे एग्जिट कब करना चाहिए, मैंने कहा कि अगर 5-7 साल तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप बने रहे। तो यहाँ पे सेक्टर फंड्स में आपका टाइम होराइजन मायने नहीं रखता। सेक्टर फंड्स में ये रखता है कि आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं या मानता हूं कि आगे जाते हुए सेक्टर, इस पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ बदलाव होने वाले हैं और उसका डिमांड बढ़ने वाला है, उसमें एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट होगी, तब मैं उस सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करता हूं। और जब वो ये डेवलपमेंट हो जाता है, जो आपको गेन्स आपको दिख रहा था वो अगर हो जाता है तो आपको एग्जिट करना भी होगा, क्योंकि आपके टाइम गोल्स के हिसाब से कुछ लेना देना नहीं है। मान लीजिए मुझे 10 साल बाद पैसे की जरूरत है, लेकिन टेक्नोलॉजी फंड का जो मुझे डेवलपमेंट दिख रहा था वो 1 साल के अंदर हो गया तो मैं पैसे निकाल लूंगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट खत्म हो चुका है। तो आईटी सेक्टर, फार्मा, बैंकिंग, कोई भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको ये समझना है कि उसका डेवलपमेंट को पूरा देखते हुए आपको एग्जिट भी टाइम करना होगा। अगर वो डेवलपमेंट आप जो सोच रहे थे नहीं हुआ, तो अगर डेवलपमेंट आगे दिखता है कि होने नहीं वाला, तो भी आपको एग्जिट करना होगा। तो कोई भी सेक्टर फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, टाइमिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम कहते हैं कि उसे मॉनिटर करना है, ट्रैक करना है। अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो एक डाइवर्सिफाइड फंड में करें। डाइवर्सिफाइड फंड में टेक्नोलॉजी भी एक हिस्सा जरूर होता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें टेक्नोलॉजी नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू एक 100% सेक्टर फंड। तो टाइमिंग एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सेक्टर फंड। जी, एक और सवाल जो हमारे पास मार्केट के इस चाल से ही जुड़ा हुआ है प्रमोद हरलाल का जी का, वो कह रहे हैं कि 3-4 साल अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो जब इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 45,000 तक भी छुआ, तो कौन सा म्यूचुअल फंड रहेगा स्पेशली इस टाइम पर इन्वेस्ट करने के लिए सही? तो ये एक टाइम होराइजन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो इनका लालका जी का सवाल सिंपल है कि मुझे 3-4 साल के लिए करना है, और आज की करंट मार्केट जो लेवल्स को देखते हुए वी've seen बहुत अच्छी रैली हमने अभी रिसेंटली देखी है पोस्ट लॉकडाउन। तो मेरा सुझाव रहेगा कि हाइब्रिड फंड या तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड इस लेवल में एंट्री करने के लिए बहुत अच्छे हैं, और हाइब्रिड फंड्स में आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जो सेबी की कैटेगराइजेशन है उसके बेसिस पे आपके पास ऐसी भी स्कीम है जिसमें मैक्सिमम 25% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, वो होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। आपके पास एक दूसरी टाइप की हाइब्रिड फंड है जिसमें 80% तक भी वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जो है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो पूरी वैरायटी आपके पास, आपको अगर 25% इन्वेस्ट करना है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, आपको 80% करना है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, 40-50% वाली भी स्कीम्स हैं। तो आपके सारे ऑप्शंस हैं जो आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है। अगर नहीं समझ में आता कि मुझे कितना करना है मार्केट लेवल्स के हिसाब से, तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जो मैं रिपीटेडली शो पे आपको बताते आ रहा हूं, एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें आप मार्केट लेवल्स को अपनी रिस्क प्रोफाइल के साथ मैच करके इक्विटी एलोकेशन कर सकते हैं। अगर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की बात कर रहे हैं तो 3 स्कीम्स मैं सजेस्ट कर सकता हूं जिसके बीच वो चूज कर सकते हैं। तीनों में पैसे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये 3 स्कीम अच्छी हैं जो कंसिडर कर सकते हैं। एक ऑब्वियसली जो मार्केट लीडर है इस कैटेगरी का और वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स है वो है ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड,
दूसरा आईडीएफसी डायनेमिक इक्विटी फंड और तीसरा इडिलवेस बैलेंस एडवांटेज फंड. आई थिंक यू नो इनको अगर कोई भी इन्वेस्टर आज की तारीख में समझे और थोड़ा ट्रैक करे कि क्या हो रहा है, इक्विटी एलोकेशन कितना है, वो किस बेसिस पे इक्विटी एलोकेट करते हैं, मार्केट के मल्टीपल कितना मल्टीपल पीई पे, तो ये एक अच्छी कैटेगरी है सारे इन्वेस्टर्स का वो यू नो डर हटाने के लिए कि मार्केट बहुत तेजी से बढ़ चुका है, अब ये गिरेगा. ये सारी स्पेकुलेशन को एक तरफ करके अपने गोल्स पे ध्यान रखें, अपने जो बेसिक रूल्स हैं इन्वेस्टिंग के उसको ध्यान में रखें और इन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच हर्षवर्धन, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए. और मार्केट एट ऑल टाइम हाई में क्या निवेशक को बनानी चाहिए स्ट्रैटेजी और 2021 में आप क्या स्ट्रैटेजी बनाने के लिए रहें तैयार, उस पर बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका. इसी के साथ मनी गुरु के आज के स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही. वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस.